Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, एक न्यूज है जो बार बार अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स पे, फेसबुक पे फ्लोट हो रही है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर द UGC NET स्टूडेंट्स. एंड वो न्यूज है दैट वेदर PhD हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एट द कॉलेज लेवल. तो क्या कॉलेज लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए PhD होना मैंडेटरी है? ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन. तो इस वीडियो के अंदर मैं इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहता हूं. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये न्यूज सर्कुलेट हो रही है दैट इज नॉट ऑफ द करंट ईयर बट इट इज फ्रॉम द ईयर 2018. इससे रिलेटेड जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, सो दैट यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ. नाउ अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि तो क्यों इतना ज्यादा रूमर क्रिएट हो रहा है या फिर क्यों इस न्यूज के बारे में इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं. तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD डिपार्टमेंट ने एक रेगुलेशन निकाली थी जहां उन्होंने कहा था दैट फ्रॉम जुलाई 2021 PhD वुड बिकम मैंडेटरी फॉर द यूनिवर्सिटी एंड नॉट फॉर द कॉलेज. तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या अंतर है? तो मैं आपको बता दूं, कॉलेज मेयरली उस इंस्टीट्यूट को कहते हैं विच इज कंपैरेटिवली अ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मेजरली ग्रेजुएट या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज होते हैं, दैट इज द बैचलर लेवल कोर्सेज. वेरस जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी वो होती है जहां पे ज्यादातर मेजॉरिटी सिचुएशन में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज एंड साथ साथ कई इंस्टीट्यूट्स में PhD डिग्री भी प्रोवाइड की जाती है, तो इन्हें हम यूनिवर्सिटी कहते हैं. तो अब ऑब्वियसली बात है, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट या फिर PhD कैंडिडेट्स को पढ़ाना है तो आपके पास PhD होना बिल्कुल मैंडेटरी है. इसलिए जो रेगुलेशन है वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, एंड इट सेज कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो आपके पास PhD होना मैंडेटरी है या फिर अनिवार्य है. वेयर एज अगर मैं कॉलेजेस के बारे में बात करूं, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस हैं, इनमें अगर आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में वर्क करना चाहते हैं एज ऑफ नाउ, तो उसके लिए PhD बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है. तो आई थिंक इस चीज से आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा. बट स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी डाउट रहता है कि क्या सर इनरोलमेंट करने से या फिर PhD अगर हमने कर ली है तो क्या उससे एडवांटेज मिलता है? तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि एक प्रॉपर मेरिट सिस्टम कोई ना कोई कॉलेज फॉलो करता है. जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस, कहां आपने अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, एंड अगर आपने अपनी PhD भी कंप्लीट कर ली है एंड आपको साउंड नॉलेज भी है किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो इन सारी चीजों को कुछ ना कुछ वेटेज जरूर दिया जाता है, एंड उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होता है ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो मैंडेटरी नहीं है, बट यस, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपने PhD कंप्लीट कर ली है, देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू प्रूव एज एन एडवांटेज फॉर यू. सो आई होप कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सिटी के लिए PhD मैंडेटरी है बट कॉलेजेस के लिए नहीं है. बट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू एड ऑन टू योर एडवांटेज व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन. तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो गया एंड यू हैव लर्न समथिंग न्यू, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.